इंग्लिश की दुनिया में आपका स्वागत है। तुम नाउन हो ना, और तुम प्रोनाउन। हाँ, तुम जानते हो हमें। डियर सर ने बताया था मुझे तुम दोनों के बारे में। और ये कौन है? ये है एडजेक्टिव, हमारा बेस्ट फ्रेंड। तो क्या तुम लोग हमेशा साथ रहते हो? हाँ, ये हमारे साथ रहकर हमारी खासियतें दूसरों को बताता है। हे एडजेक्टिव, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। पर क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में झूठी अफवाह फैलाई हुई है कि एडजेक्टिव बदमाश है, जिससे तुम दोनों में दुश्मनी पैदा हो गई है। तो क्या ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती? क्या हम कभी दोस्त नहीं बन सकते? हाँ, एक तरीका है, बस एक शख्स है जो हमारी दोस्ती करा सकता है। कौन? हम सब के बेस्ट फ्रेंड डियर सर। तो आओ उन्हीं के पास चलते हैं और दोस्त बनते हैं। गाइस वेलकम बैक। क्या आप तैयार हैं 2 सेकंड में एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझने के लिए? तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल यह है कि आप YouTube पे जब भी कोई वीडियो देखते हो और कमेंट बॉक्स में जाके कोई कमेंट करते हो, वो कमेंट क्या होता है? वो कमेंट सोचिए। सोच रहे हो? सोचो। वो जो वर्ड आप यूज करते हो उस कमेंट में, उस वीडियो को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो आपको अच्छी लगी कि बुरी लगी, वही वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने दोस्तों। कोई भी वीडियो जब हम यूट्यूब पे देखते हैं और उसमें कमेंट में जाके, कमेंट सेक्शन में जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, अच्छा कहते हैं कि इट वॉज ऑसम, मस्त था, ओपी था, पबजी से निकल के आया ओपी। मैं बड़ा परेशान हो गया था कि ये ओपी क्या होता है, ओपी क्या होता है। एक दिन ना मैं लाइव सेशन में बैठा हुआ था, तो मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा, भाई ये ओपी क्या होता है? तब उसने बताया था कि ये ओवर पावर्ड इसका जो मीनिंग होता है। मैंने कहा वाह क्या वर्ड है। तो दोस्तों ये जो वर्ड यूज करते हो, ओपी हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, ब्रिलियंट हो गया, ऑसम हो गया, मस्त हो गया, ये अच्छाइयां जो होती हैं, ये सारी हमारे क्या एडजेक्टिव्स हैं। और बुराइयां तो बस छोड़ ही दो ना, फिर ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं कि मैं कैमरा के आगे बोल ही नहीं सकता। वो सारे वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? वो बुराइयां भी, वो जो बुरे वर्ड्स होते हैं वो भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। यानी कुल मिला के ऐसे वर्ड जो किसी चीज की तारीफ करें, उसकी अच्छाई बताएं, उसकी बुराई बताएं, उसकी खासियत को बता दें, वो सारे वर्ड्स हमारे कहलाते हैं एडजेक्टिव्स, विशेषण यानी खासियत। हम बहुत आराम से जी रहे थे इंग्लिश ग्रामर की दुनिया के अंदर, बहुत शांति थी, कोई कुछ नहीं कर रहा था, सब सेंटेंस बना रहे थे, दबा के सेंटेंस बना रहे थे। कैसे सेंटेंस बना रहे थे? बहुत आसान था ना। सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होता था, एक हमें वर्ब चाहिए होती थी और एक हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता था। दोस्तों एक करोड़ों साल पहले की बात है, जब मैं भी ना डायनासोर की पीठ पर बैठ के सेंटेंसेस बनाया करता था, सब्जेक्ट रखता था, वर्ब रखता था, ऑब्जेक्ट रखता था और दबा के एकदम धुआंधार तरीके से इंग्लिश के हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते थे, बनाते थे। सब्जेक्ट भी लगा देते थे, कोई भी नाउन या प्रोनाउन रख देते थे, वर्ब लगा देते थे अपनी मर्जी की, कोई भी वर्ब लगा देते थे यहाँ पे, ठीक है, और सेंटेंस बनाते रहते थे। और सेंटेंस बनते भी बड़े आसान थे, जैसे मैंने बोला शी इज अ टीचर, बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है भैया, वह एक टीचर है, बात खत्म थी, कोई दंगे नहीं हो रहे थे, सब बढ़िया था, बहुत ही शांति फैली हुई थी। अचानक से लोगों ने क्या करना शुरू किया, उन्हें चैन नहीं आया, उन्होंने कहा भाई नहीं, शी इज अ टीचर से हमें मजा नहीं आया, उन्होंने वर्ड यूज किया शी इज अ ब्यूटिफुल टीचर। क्या कहा? शी इज अ ब्यूटिफुल टीचर। अब इसका मतलब क्या हुआ? वह टीचर है, वह एक अध्यापक है, वह एक खूबसूरत अध्यापक है। अब इस खूबसूरत ने क्या कर दिया? एडिशनली तारीफ कर दी, चैन नहीं पड़ा, उन्होंने कहा हम तो तारीफ करेंगे, हम तो नहीं मान रहे। अब ठीक है, ये वर्ड यूज कर दिया, अब इस वर्ड को क्या कहते? तब भी शांति पड़ी रही, लेकिन लोगों को तब भी चैन नहीं पड़ा, नॉर्मल था। ही इज अ मैन, वह एक आदमी है, हम खुश थे, ही इज अ मैन, बता रहे हैं भाई वो आदमी है कि औरत है, ही इज अ मैन, इस तरह से बोल दिया, ठीक है। लेकिन लोगों को चैन नहीं पड़ा, लोगों ने कहा नहीं नहीं, ही इज अ ब्रेव मैन, वह एक बहादुर आदमी है, मतलब सारे आदमियों से अलग वो बहादुर हो गया, मतलब वो अलग है, वो उसकी खासियत बता दी, उसको अलग कैटेगराइज कर दिया, उसको स्पेशल फील करा दिया। तो भाई मैं तो सही अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में भूचाल तब आया जब लोगों ने इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ब्यूटिफुल, ब्रेव, ऑनेस्ट, ईमानदार, अरे और तो और जो कोई थोड़ा सा लंबा दिखा उसको लंबू कहना शुरू कर दिया, टॉल कहना शुरू कर दिया, जो छोटा था उसको शॉर्ट कहना शुरू कर दिया, अब भाई जो कोई बहुत खूबसूरत था उसको हैंडसम या ब्यूटीफुल कहना शुरू कर दिया, कोई बदसूरत है, कोई चीज खराब है उसको अगली कहना शुरू कर दिया। अब भाई इस तरह के जो भी ये वर्ड थे, काले, पीले, हरे, नीले, छोटा, लंबा, मोटा, गुप्पा, अब पता नहीं क्या क्या वर्ड इस्तेमाल किए जाने लगे, किसके बारे में? लोगों के बारे में, चीजों के बारे में, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ और बातें बताई जाने लगी, उनके फीचर्स बताए जाने लगे, खासियत बताई जाने लगी। उन वर्ड्स को ही क्या कह दिया गया? उन वर्ड्स को कहा गया एडजेक्टिव। क्या कहा गया? एडजेक्टिव, इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स
जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताएं कि वो कैसे हैं। यहां तक कहानी हमारी बिल्कुल ठीक चल रही थी, शी मेरा एक प्रोनाउन था, बहुत बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब प्रोनाउन को बताया गया कि वो ब्यूटीफुल है, वो टीचर ही नहीं ब्यूटीफुल टीचर है, टीचर तक मामला ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ब्यूटीफुल जैसे ही लगा तो बदल गया, मीनिंग अब अलग हो गया। अब खासियत बताई कि कैसे टीचर है, टीचर तो बहुत लेकिन वो कैसा, वो ब्यूटीफुल टीचर। इसी तरह से आदमी तो बहुत लेकिन वो कैसा, वो ब्रेव। ऐसे क्रिकेटर तो बहुत लेकिन विराट कोहली कैसे, ब्रिलियंट क्रिकेटर। इस तरह से लोग तो बहुत, लड़के तो बहुत लेकिन वो लड़का कैसा, टॉल लंबा। इस तरह से दोस्तों इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताने के लिए। अब आप मुझे बताओ कमेंट में, आप यही सब तो कर रहे होते हो, तो जब भी आपको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट सीखना हो याद कर लो कि यूट्यूब पे क्या कमेंट कर रहे थे आप लोग। अब मुझे पता है आप भी बहुत सारे एडजेक्टिव यूज करोगे मेरे लिए अब कमेंट में, जिस तरह से आपने अभी एक सेंटेंस को समझा है, एडजेक्टिव को समझा है, कॉन्सेप्ट को समझा है। लेकिन वर्ड्स थोड़े अच्छे से यूज करना जो मैं कैमरे पे बोल सकूं, अच्छे-अच्छे वर्ड्स, ठीक है। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट छोटा सा जो मैंने आपको समझाया एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट। अब सिखाता हूं इसके टाइप्स और थोड़ा और फॉर्मल मैनर में पूरा डिफाइन करके और अच्छे से बताता हूं। तो दोस्तों मैं हाजिर हूं आपके सामने एडजेक्टिव की डेफिनेशन के भी साथ, जो आप किताबों में रटते हो पढ़ते हो। अब मुझे उम्मीद है कि आप रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब समझ में आएगा इसका एक एक वर्ड। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा है। एडजेक्टिव्स वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं। क्या बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं कि वो नाउन या प्रोनाउन कैसा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, भाई काला, पीला, सुंदर, कमजोर, खुश, मजबूत, ईमानदार, बहादुर, तेज, मोटा, पतला, लंबा, इस तरह के ये जो भी वर्ड्स हैं किसको बता रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन को बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूं तो ऐसे, ताजमहल सफेद है, ताजमहल कैसा है, सफेद है। भाई खासियत बता दी सफेद, ऐसे ही ताजमहल को एक और एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं, ताजमहल सुंदर है। क्या कहा, सुंदर है। ताजमहल एक मेरा नाउन था, नाउन के लिए हमने वर्ड यूज किया सुंदर का, वो सुंदर ने क्या काम किया, ताजमहल यानी नाउन की खासियत को बताया कि वो क्या है, वो सुंदर है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बहादुर, MS धोनी जो हमारे धोनी है, कैप्टन धोनी, वो क्या, बहुत बहादुर है, क्या है, बहादुर है। धोनी एक नाम था, एक नाउन था जिसको डिफाइन किया गया, जिसकी क्वालिटी को बताया गया, खासियत को बताया गया, विशेषता को बताया गया, किसके द्वारा, किसके द्वारा बताया गया, जो वर्ड यूज किया गया मैंने, बहादुर, बहादुर के द्वारा, ठीक है। इस तरह से जैसे तेज, ऐसे मेरे को विराट कोहली बहुत तेज है, तेज दौड़ते हैं ना, इस तरह से, तो विराट कोहली एक नाउन था, भाई तेज मेरा वर्ड क्या था, किसने क्या बताया, तेज ने क्या काम किया, जो मेरा नाउन था उसकी खासियत को बताने का काम तेज ने किया, तो मेरा तेज क्या हुआ, तेज मेरा एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताने के लिए, वो अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, उसकी खासियत बताई जाती है। इंग्लिश में भी कुछ एग्जांपल्स हैं, चार्मिंग, बहुत ज्यादा चार्मिंग है, शाहरुख खान बहुत ज्यादा चार्मिंग है, ठीक है। इसी तरह से क्रूल, अब एक क्रूल मतलब बहुत ही लड़ाकू, बहुत ही निर्दयी, निर्दयी टाइप के जो होते हैं ना वो लोग। ऐसे टेस्टी, घर में दाल बनी है, दाल बहुत टेस्टी है, सर दाल कहां टेस्टी लगती है यार, कैसी बातें कर रहा हूं। फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक, इस तरह से बहुत वर्ड यूज होता है, फैंटेस्टिक तो आपने खूब सुना होगा। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। ऐसे ही जेंटल, ऑनेस्ट हो गया, ईमानदार, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट उसी से बना हुआ वर्ड है ना, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। शार्प बहुत ज्यादा तेज, इसी तरह से ग्रेट, सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर कैसे ग्रेट बैट्समैन है, इस तरह से। हमारा ग्रीडी हो गया, लालची, हैंडसम हो गया, वो तो आप मेरे लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, माई टीचर इज हैंडसम, इस तरह से बोलो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे इंटेलिजेंट हो गया, माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, आप सब इंटेलिजेंट हो, तो इंटेलिजेंट भी क्या, स्टूडेंट्स क्या था, हमारा एक नाउन था, इंटेलिजेंट ने उस नाउन की खासियत को बता दिया, इतना सा काम था। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ना ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया कि एडजेक्टिव्स होते क्या। अच्छा अब दोस्तों इसकी जो बारीक बातें हैं, जो इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो अब आपके सामने बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से उसको सुनिए। तो दोस्तों बात करते हैं एडजेक्टिव्स के टाइप्स की। इसके एज सच कोई टाइप्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, जैसे कि टेंसेस के रूल्स होते थे, प्रेपोजिशन के रूल्स होते थे, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। ये टाइप्स बनाए क्यों गए हैं, ये टाइप्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो हमारे हजारों लाखों एडजेक्टिव्स है ना, उनको कैटेगराइज कर दिया जाए, उनको क्लासीफाई कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, ताकि उनको इस्तेमाल करने में आपको आसानी हो, और कुछ नहीं है इसका, और कोई मकसद नहीं है, आपको कोई रूल्स वगैरह नहीं रटने हैं, तो बेफिक्र रहिए। और अगर आपने मेरे अंदाज में इनके टाइप्स को अच्छे से समझ लिया तो इट्स जस्ट लाइक अ केक वॉक फॉर यू, ठीक है, बहुत आसान होने वाला है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, सच बता रहा हूं मैं आपको। आइए देखते हैं पहला टाइप क्या है हमारा, आपके सामने लिखा हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
इसमें क्या होता है देखते हैं, पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ पढ़िए। जो किसी व्यक्ति या चीज की क्वालिटी को बताते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी की व्यक्ति की या किसी चीज की क्वालिटी को बताते हैं। सर ये तो एडजेक्टिव्स की भी तो डेफिनेशन यही होती है कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। हाँ भाई हाँ, तो ये क्या है, ये भी बिल्कुल इसका बेस है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एडजेक्टिव्स होते हैं। ये अलग से टाइप इसलिए बनाया गया ताकि जो अदर एडजेक्टिव्स है ना, अभी और टाइप्स भी पढ़ोगे, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री वाले पढ़ोगे आप, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ोगे, ताकि उनमें और ये जो नॉर्मल वाले एडजेक्टिव्स हैं उनमें कुछ ना कुछ फर्क करना था। क्या करना था? फर्क करना था, डिफरेंस पैदा करना था, इसलिए इसको भी एक अलग टाइप बना दिया गया। इसमें है कुछ भी नहीं, नॉर्मल एडजेक्टिव्स हैं, दैट्स इट। जैसे कि कैसे भाई, एग्जांपल देख लो, ही इज अ क्लेवर बॉय। वो कैसा बॉय है भाई? क्लेवर बॉय है। तो क्लेवर यानी चालाक, ये मेरा क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि ही की खासियत को बताया क्लेवर ने, ही मेरा यहां पे प्रोनाउन था, प्रोनाउन की खासियत को क्लेवर ने बताया, ये मेरा एडजेक्टिव हो गया। दूसरा देखें, आइए, रमा इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, रमा मेरा ये क्या था, एक नाउन था, इंटेलिजेंट यहां पे एक मेरा एडजेक्टिव था, रमा मेरा एक प्रोनाउन था, नाउन था, नाउन की खासियत को इंटेलिजेंट ने बताया, तो ये मेरा क्या हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? इस तरह से यहां पे प्रोनाउन वाला भी देख लिया और ये नाउन वाला भी देख लिया, और उनकी खासियत को किसने बताया, एडजेक्टिव ने बताया। बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल एडजेक्टिव थे। लेकिन इसमें ना, इसमें थोड़ा सा मसाला है। मसाला कैसे, आपने उबाली आइसक्रीम खाई है जो ऊपर से चॉकलेट लगा हुआ होता है, फिर अंदर व्हाइट वाला उसमें स्टफ होता है, फिर जो बिल्कुल एंड में जो डंडी होती है ना जिसमें आप खा रहे हो, तो वो स्टिक जो होती है उसके अंदर एक बढ़िया सी चॉकलेट होती है लास्ट में, शुरू में आप उसे खाते रहते हो, इसलिए खाते हो ताकि वो अंदर की चॉकलेट खाने को मिले। खाइए, कभी खाइए, मैंने तो बड़ी खाई है, मुझे बड़े मजे की लगती है, ठीक है। वही चॉकलेट इसके अंदर है लास्ट में, छोटा सा मसाला, ऊपर से तो ऐसी दिखेगी नॉर्मल आइसक्रीम, लेकिन उसके लास्ट में ना चॉकलेट छुपी हुई है आपके लिए। क्या है वो चॉकलेट, वो बताता दोस्तों। ये जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं ना, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो मैं बोल रहा हूं, इसमें दो तरह के इस्तेमाल होते हैं। क्या? दो तरह के इस्तेमाल होते हैं। एक होता है हमारे एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है किसी चीज की खासियत, ठीक है। एक होता है इसका एट्रीब्यूटिव यूज, और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव क्या, सब्जेक्टिव प्रेडिकेटिव। हाँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेटिव हमने पढ़े थे बचपन में, पढ़े थे ना कि भाई एक सब्जेक्ट होता है और बाकी उसका जो उसके अलावा जो हिस्सा होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है, कर्म कहलाता है, ठीक है। ये तो पढ़ा था हमने। चलो पहले देखते हैं एट्रीब्यूटिव यूज में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ो। नाउन से पहले जब इस्तेमाल किए जाए तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, बस इतना ही। हाँ इतना ही है। अगर नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहे तो हमारी ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहला रहे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ ग्रेट किंग। यहाँ पे ग्रेट क्या था, ये मेरे एक एडजेक्टिव था। किंग क्या है, एक नाउन है। किंग क्या है, नाउन है। कि वो राजा कैसा था, एक महान राजा था, तो राजा मेरा नाउन था। नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आया तो मेरा इस्तेमाल कैसे हुआ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। आओ दूसरा देखते हैं। अंकित इज अ स्ट्रांग मैन। स्ट्रांग यहां पे मेरा एक एडजेक्टिव था, एक शक्तिशाली, एक मजबूत इंसान है। मैन मेरा यहां पे एक नाउन था, नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ, ये क्या कहलाया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ इसका, ठीक है। क्लियर? ज्यादातर आपका नाउन से पहले ही आएगा। क्या कह रहा हूं मैं, ज्यादातर जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमारे एट्रीब्यूटिव ही यूज किए जाते हैं। कैसे? नाउन से पहले ही आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ अलग तरह से इस्तेमाल होते हैं, वो है हमारे प्रेडिकेटिव। क्या लिखा, ध्यान से पढ़ो, जब वर्ब के बाद इस्तेमाल किए जाएं। यहां पे इंपॉर्टेंट है वर्ब। हमने देखा था नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहे थे और नाउन और प्रोनाउन की ही खासियत बता रहे थे, तो ये वर्ब कहां से बीच में निकल के आ गई। देखते हैं कैसा आई, देखेंगे इसको भी। इस्तेमाल किए जाते हैं तब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते। कैसे, जरा देखो, लता इज इल। क्या लता यहां पे जो ये इस्तेमाल हो रहा है, लता की ही खासियत बताई जा रही है कि नहीं बताई जा रही? लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इज हमारी एक वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। इसके पहले, इसके बाद इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैसे, इसके बाद इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साफ साफ लिखा है वर्ब के बाद, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ब के बाद, नाउन से पहले, वर्ब के बाद, कुछ भी नहीं था इसमें। तो लता इज इल। ऐसे यू आर ऑनेस्ट। आर मेरी एक लिंकिंग वर्ब थी, एक हेल्पिंग वर्ब थी, उसके बाद ऑनेस्ट आया, तो यहां ऑनेस्ट क्या था मेरा, ये मेरा प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव था। शी फेल्ट बैड, यहां भी ये मेरी एक वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग वाली वर्ब, होना, महसूस करना, होते नहीं वाली वर्ब। उसके बाद मेरे बैड क्या आया, एक एडजेक्टिव था। तो दोस्तों देखा किस तरह से, चॉकलेट खाई अभी आपने तो वहां पे हमने इस तरह के इस्तेमाल भी देखे, जहां पे हमने प्रेडिकेटिव यूज भी देखा एडजेक्टिव का, कि हमेशा नाउन से पहले ही एडजेक्टिव नहीं आता, वर्ब के बाद भी आ जाता है। और वर्ब का मतलब सिर्फ एक्शन वर्ब नहीं होता, लिंकिंग वर्ब भी होता है। तो दोस्तों ये बड़ा सिंपल सा था, बहुत सिंपल सा टाइप था, मैं साइड हो जाता, स्क्रीनशॉट ले लो।
दोस्तों नेक्स्ट टाइप है हमारा कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उतना ही आसान है क्योंकि ये बहुत लॉजिकल है। आप मुझे बताइए कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। सर आपने बताया कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की, या कह सकते हैं कि किसी चीज की खासियत को बताते हैं, किसी की अच्छाई या किसी की बुराई, यही तो होता है। और जब किसी की अच्छाई या बुराई की जाती है तो वहां कंपेरिजन की ही जाती है, वो बहुत आम सी बात है। फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाता है कि भाई सचिन ज्यादा अच्छे बैट्समैन है विराट कोहली से, शाहरुख खान ज्यादा अच्छे एक्टर है सलमान खान से, इसी तरह से हिंदी ज्यादा अच्छी है इंग्लिश से। तो ये सारी डिबेट्स होती हैं, इस तरह के सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं जहां हम दो चीजों का कंपैरिजन करते ही करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि जहां अच्छाई होगी जहां बुराई होगी वहां कंपैरिजन भी होगी ही होगी कि भाई ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा है व्हाइट कलर से, ये घर ज्यादा अच्छा है उस घर से, ये शहर ज्यादा अच्छा है उस शहर से, हर जगह हम कंपैरिजन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वहां हम एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आइए एग्जांपल देखते हैं। मेरा पहला एग्जांपल है, माय ब्रदर इज टॉलर देन यू, मेरा भाई तुमसे ज्यादा लंबा है। यहां पे लंबा कहना किसी को क्या हुआ, उसकी खासियत बताई कि नहीं? बिल्कुल, यानी टॉल जो था ये वर्ड था ये मेरा क्या था, एक एडजेक्टिव था, बिल्कुल एडजेक्टिव है मेरा, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव इस्तेमाल कैसे हुआ, माय ब्रदर और यू इन दो लोगों के बीच कंपैरिजन की गई, दोनों को ही टॉल कहा गया। क्या कहा गया? टॉल के भाई लंबे तो दोनों हैं, लेकिन ज्यादा लंबा कौन है, मेरा भाई। तो इस तरह से यहां पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश इज मोर इंटरेस्टिंग देन स्पेनिश। यहां भी जो इंटरेस्टिंग वर्ड था, खासियत बताई गई, क्या था, एक खासियत थी किसकी, इंग्लिश की, यह एडजेक्टिव था, कोई डाउट नहीं था, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन किस तरह से इस्तेमाल हुआ, इंग्लिश और स्पेनिश इन दोनों के बीच क्या की गई, कंपैरिजन की गई। नेक्स्ट देखें, आइए, विराट कोहली इज बेटर देन स्टीव स्मिथ। अब इसमें क्या किया गया, इसमें भी विराट कोहली को क्या कहा गया, बेटर कहा गया, दोनों की कंपैरिजन की गई। बेटर करना किसी की तारीफ, बेटर कहना क्या होता है, किसी की तारीफ करना होता है, बिल्कुल। लेकिन यहां भी बेटर एक एडजेक्टिव था, और किस तरह से इस्तेमाल हुआ, यहां पे स्मिथ के साथ इस्तेमाल हुआ। अगर स्मिथ ना होता तब बात अलग थी, तब बात अलग थी, सिर्फ विराट कोहली को कुछ कह देते, ऐसे बोल देते विराट इज गुड, बात खत्म थी, यहां एक एडजेक्टिव इस्तेमाल हो जाता। लेकिन नहीं, हमने कंपैरिजन की, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तुलना की यहां पे विराट की स्मिथ के साथ, तो यहां पे जो बेटर था ये एडजेक्टिव कुछ अलग तरह से इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल। ब्लू व्हेल क्या है, लार्जेस्ट, सबसे लंबा। लार्ज यहां पर क्या था, एक एडजेक्टिव था, उसे लार्जेस्ट बनाया गया, और उसकी उसको क्या कहा गया, सबसे कंपैरिजन कर दी गई। यहां पर तो ब्लू व्हेल की सबसे कंपैरिजन, भैया जितनी भी मैमल्स होते हैं ना उसमें ब्लू व्हेल सबसे बड़ा मैमल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि एडजेक्टिव के कुछ इस्तेमाल होते हैं कंपैरिजन करने के लिए। अब गौर करने की बात यह है कि कंपैरिजन या तुलना किस तरह से की जाती है, वो या तो दो लोगों के बीच तुलना की जाएगी, या फिर दो से ज्यादा यानी सबसे तुलना कर दी जाएगी। सिर्फ दो ही तरह की कंपैरिजन होती है। क्या कहा मैंने, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। या तो सोनू और मोनू के बीच कंपैरिजन की जाएगी, क्या सोनू और मोनू के बीच कंपैरिजन की जाएगी, या फिर पूरी दुनिया से उनकी कंपैरिजन कर दी जाएगी। इस तरह से दो डिग्री हमारी बनती है। पहली जिसमें दो लोगों के बीच कंपैरिजन की जाए वो तो होती है हमारी कंपेरेटिव डिग्री। कौन सी? कंपेरेटिव। और जहां पूरी दुनिया से उस चीज की कंपैरिजन कर दी जाए, पूरी दुनिया से, तो उस जैसी चीज ही नहीं है। जैसे कि हमने ये देखा था लार्जेस्ट मैमल, या कोई दूसरा नहीं था, या पूरी दुनिया के मैमल से कंपैरिजन कर दी गई, उसका नाम लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सुपरलेटिव, नाम ही सुपर, सुपर से ऊपर, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं ना, तो ये सुपर से पता ही लग रहा है कि क्या, पूरी दुनिया में जो सबसे सुपर हो, जिसे हम सबको सबसे अच्छा कहना हो, है ना, सबसे कंपैरिजन, दो से कंपैरिजन, इतना याद रखना है। अब एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम कंपैरेटिव करते हुए, कंपैरेटिव डिग्री की तरह, वो देख लेते हैं। आओ, बड़ी आसान सी बात है, बिल्कुल माइंड क्लियर करते हुए चलना, सब कुछ लॉजिकल है, रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। आओ चलो देखते हैं भैया, एक होती है हमारी पॉजिटिव, या जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट, ये डिग्री होती है हमारी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं ना उसकी बेस फॉर्म है, मतलब नॉर्मल एडजेक्टिव्स ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड यूज किया वाइज, बुद्धिमान, ओल्ड, स्ट्रांग या वीक, इस तरह से, ठीक है। ये चार एडजेक्टिव्स हैं कि नहीं, ऐसे एक और लिख लेता हूं, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल बार बार, सर आप ब्यूटीफुल वर्ड क्यों यूज करते हो? अरे वर्ड इतना प्यारा है, इससे ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। अगर आप किस चीज को कहो यू आर ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल, तो इससे ना अच्छा सा फील होता है ना, इस तरह से, ठीक है। अब आप मुझसे बोलो सर आपकी राइटिंग ना बहुत ब्यूटीफुल, देखो मुझे कितना अच्छा फील होगा। आप लोग बोलते हो नहीं सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। चलो कंपेरेटिव डिग्री देखते हैं, इसमें क्या है, इसका नाम से ही पता चल रहा है, कंपेरिजन।
दो लोगों के बीच जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आइए तीसरी हो जाती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये तो सर कुछ इस तरह से है ना, जैसे वर्ब की फॉर्म्स होती है, हाँ हाँ कुछ ऐसा ही सा समझ लो, कुछ ऐसा ही सा है, जैसे वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। आई थिंक ये बाहर निकल गया, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं पास में करके, आई थिंक अब विजिबल होगा। इज इट विजिबल नाउ? ओके, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई हमारी। ओके, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये बेस फॉर्म थी, कोई दिक्कत नहीं थी। वाइज मतलब बुद्धिमान, किसी को हमने बुद्धिमान का कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। मैंने कहा ही इज वाइज, सिंपल बात खत्म, ही इज वाइज, दैट्स इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मुझे इसको कंपैरिजन करनी हो, मुझे कहना हो कि वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो मैं क्या करूंगा, देन लगाऊंगा और तुम्हारा नाम लिख दूंगा। एक छोटा सा चेंज और करना है, वो क्या करना है, जब भी हम पॉजिटिव से, नॉर्मल एडजेक्टिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो आर या ई आर लगा देते हैं उसके आखिर में। कैसे? जैसे वाइज का हो जाएगा वाइजर, सिंपल। ओल्ड का हो जाएगा ओल्डर, स्ट्रांग का हो जाएगा स्ट्रांगर, ऐसे ही वीक का हो जाएगा वीकर, ऐसे ब्यूटीफुल का हो जाएगा क्या हो जाएगा, अभी बाद में बताऊं, चलो बाद में बताऊंगा, ब्यूटीफुल का बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा रूल है, करना क्या है, जब भी हमें कंपैरिजन करनी होती है दो चीजों के बीच, तो हम एडजेक्टिव के आखिर में आर या ई आर लगा देते हैं और देन का इस्तेमाल करते हुए साथ में वो कंपैरिजन कर देते हैं। हमने देखा भी था, यहां पे लिखा हुआ भी था, माय ब्रदर इज टॉलर, टॉल का क्या हो गया था, टॉलर हो गया था, देन लग के फिर उसका नाम आ गया जिससे कंपैरिजन की गई है। कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, शी लुक्स ओल्डर देन यू, वो तुमसे ज्यादा बूढ़ा दिखता है, इसी तरह से ही लुक्स स्ट्रॉन्गर देन यू, इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो अब बात करते हैं कि सर आर किसके साथ, ईआर किसके साथ, आर किसके साथ, ईआर किसके साथ। अरे भाई ये तो बहुत ही लॉजिकल है, अगर लास्ट में ऑलरेडी ई है तो क्या डबल ई लगाओगे, नहीं, यहां सिर्फ आर लगाने की जरूरत थी, मैंने सिर्फ आर लगा दिया, यहां पे ई नहीं है तो ई आर लग गया, यहां पे ई नहीं है तो ई आर लग गया, यहां पे ई नहीं है तो ई आर लग गया, इतनी सी बात थी, ठीक है। सर ब्यूटीफुल का बना दो ना, ब्यूटीफुलर, क्या बना दो, ब्यूटीफुलर, है ना, बहुत आसान है सर, लास्ट में ई आर लगाना है ना, है ना। अरे नहीं दोस्तों गलती मत कर देना, ये ब्यूटीफुलर नहीं होगा, इसमें एक बहुत ही प्यारी बात है, प्यारी बात क्या है वो सुनो, प्यारी बात इतनी प्यारी है कि आप खुद कहोगे कि यार कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी हमारे एडजेक्टिव्स एक सिलेबल के हों, कितने, एक सिलेबल के हों, यानी उनकी एक बार में आवाज निकल जाए, जैसे कि वाइज एक बार में, ओल्ड, स्ट्रांग, वीक, थिक, इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ तो आर या ई आर लग जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा सिलेबल हो, यानी जिन्हें बोलने में, सॉरी मैंने कहा कि जिन एडजेक्टिव्स को बोलने में आपको आवाज दो तीन मिलानी पड़ती है, जैसे कि ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एक बार में नहीं बोला जाता, आपको बोलना पड़ता है ब्यू टी फुल, ब्यू टी फुल, तीन आवाजें निकल रही हैं। लेकिन वीक को बोल के देखो, वीक क्या बोलोगे, वीक एक बार में निकली, एक फ्लो में निकला, वीक, ओल्ड एक फ्लो में निकला। लेकिन इंटेलिजेंट को बोल के देखो, इन टेलीजेंट, चार बार में आपकी आवाज निकली, चार बार में, ठीक है, पेन हाथ में था इसलिए तीन खुले थे, ठीक है। तो दोस्तों देख रहे हो, फर्क देख रहे हो, तो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आपके एक सिलेबल के हो, एक बार में आवाज निकल जाए तो आर या ई आर लगा देना, लेकिन एक से ज्यादा जैसे ही सिलेबल होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके साथ लगा देना है मोर, क्या लगा देना है, मोर, मोर ब्यूटीफुल, और जो एडजेक्टिव उसके साथ खिलवाड़ मत करना। सर ऐसा कहीं हुआ है, हाँ हाँ हुआ है ना, आओ चलो देखते हैं। इंग्लिश इज इंटरेस्टिंग, इसमें भी देख रहे हो ना, इसमें भी सिलेबल ज्यादा थे, एक से ज्यादा सिलेबल थे, आपको सिलेबल काउंट नहीं करने, जैसे एक से ज्यादा दिखे ना, लगे कहा एक से ज्यादा हो रहा है, आंख बंद करके मोर का इस्तेमाल कर देना। यहां पे देखो मोर लगा रखा था, इंटरेस्टिंग गर नहीं कर रखा था, क्लियर है कि नहीं। तो यहां हमने देखा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि अगर एक सिलेबल हो तो आर या ई आर लग जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा सिलेबल हो तो हम क्या करेंगे, मोर का इस्तेमाल करेंगे हमारी कंपेरेटिव डिग्री में। इंटरेस्टिंग के साथ मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ब्यूटीफुल के साथ मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, इसी तरह से मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कौन से सिलेबल, एक से ज्यादा सिलेबल है कि नहीं। इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हमें यह तो समझ में आ गया कंपेरेटिव डिग्री बनाते कैसे हैं और क्यों बनाते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सर ये सुपरलेटिव डिग्री भी बता दो, ये कैसे बनाई जाती है? अरे कुछ भी नहीं करना, इसमें आर या ई आर लगाया था, इसमें ई एस टी लगा दो, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। जैसे वाइजर का क्या हो जाएगा, वाइजेस्ट, ठीक है, ऐसे ओल्ड का ओल्डेस्ट, ऐसे स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गेस्ट,
आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, वीक का क्या हो जाएगा? वीकेस्ट। बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था। जब हमें किसी चीज की पूरे ब्रह्मांड से कंपैरिजन करनी हो, किसी दूसरे से नहीं, दो चीजों की कंपैरिजन नहीं हो रही, एक चीज की बाकी सबसे कंपैरिजन की जा रही हो, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर देंगे। सुपरलेटिव, जैसे कि कहा जाता है विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। ग्रेटेस्ट कह दिया, क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट, ग्रेट कहते बात अलग थी, ग्रेटर कहते बात अलग थी, ग्रेटेस्ट कह दिया। उसके बाद कुछ और लिखा भी नहीं, किसी और से कंपैरिजन नहीं की गई। यानी जितने भी बैट्समैन हैं, जितने भी बैट्समैन खेलते हैं, उन सब में हमारे कोहली भाई कैसे हैं? बेस्ट है, ग्रेट है, ग्रेटेस्ट हो गए ना, उनसे ज्यादा महान कोई बल्लेबाज है ही नहीं। इस तरह से बात होती है, ठीक है? जैसे आपको भी कहा जाता है यू आर द बेस्ट। क्या कहा जाता है? यू आर द बेस्ट। ये जो बेस्ट है ना, अब सबसे कंपैरिजन कर दी, बाकी सब बेकार, अपना भैया जो अपना वाला है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है? तो दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल समझ में आया। लेकिन इसमें भी वही रूल फॉलो होता है सर, क्या? कि भाई ब्यूटीफुल को मोर ब्यूटीफुल किया था एक से ज्यादा सिलेबल वाला। अगर आपका एक सिलेबल है कोई दिक्कत नहीं था, ईएसटी लगा दिया था। लेकिन एक से ज्यादा सिलेबल वाले हो, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, इनके साथ क्या करोगे? अरे कुछ भी नहीं करोगे, मोर के साथ मोस्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल कर देंगे। स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है? तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। बाकी ब्लू वेल वाला एग्जांपल देखो, ब्लू वेल इज द लार्जेस्ट। लार्ज को क्या किया? लार्जर बनाता? नहीं नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं थी। इसके साथ डायरेक्ट ईएसटी लगा दे, लार्जेस्ट मैमल। बाकी सब मैमल से इसकी कंपैरिजन कर दी गई दोस्तों, ठीक है? दोस्तों ये तो क्लियर हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव का, बहुत आसान था। एक बार समअप करता हूं, कंपेरेटिव डिग्री जब हम किसी दो चीजों को कंपेयर करते हैं, आर या ईआर लगा देते हैं, एक सिलेबल हो तो, अगर एक से ज्यादा सिलेबल हो तो हम उसके साथ मोर का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जब पूरे ब्रह्मांड से, पूरी दुनिया से उसकी एक चीज की कंपैरिजन की जाती है, EST लगा देते हैं, अगर एक से ज्यादा सिलेबल होता है तो उसके साथ मोस्ट आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं आपको, ये जो हमारी कंपेरेटिव डिग्री होती है ना, ये जो RER वाली, ये वाली जो है, इसका इस्तेमाल कभी कभी खुद से भी कंपैरिजन करने के लिए भी किया जाता है। यानी अगर आप पहले ओल्ड दिखते थे, मैंने सेंटेंस लिखा यू लुक ओल्ड, इसका मतलब है आप बूढ़े दिखते हो, आप बूढ़े दिखते हो। अगर मैं इसको कर दूं यू लुक ओल्डर, ओल्डर, यहां पे ओल्डर कर दिया, अब इसका मतलब है आपकी आपसे ही कंपैरिजन कर दी गई, आपकी आपसे ही कंपैरिजन कर दी गई। यानी अब आप ज्यादा बूढ़े दिखते हो, अब ज्यादा बूढ़े दिखते हो। समझ में आया? बिल्कुल। जब हम किसी चीज को बढ़ावा करके दिखाना चाहते हैं कि पहले से ज्यादा आप ऐसे दिखते हो, वहां भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये छोटा सा रूल था, ये भी बता दिया आपको। लॉजिकल है कि नहीं? बिल्कुल है ना। एक और बात, ये जो हमारी कुछ डिग्रीज होती है ना, ये कुछ एक ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो इन डिग्रीज को फॉलो नहीं करते, रूल फॉलो नहीं करते, आर ई आर ई एस टी, बहुत थोड़े से होते हैं। फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट, उसमें ना ईआर लगता है ना ईएसटी, वो अपने आप में चल रहे होते हैं, अलग ही टेंजेंट पे चल रहे होते हैं। जैसे वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती है ना, इररेगुलर फॉर्म्स, इसी तरह से इररेगुलर एडजेक्टिव्स भी होते हैं, ज्यादा नहीं होते। आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, डोंट वरी, ठीक है? तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हो गया, ऐसे ही बैड, वर्स्ट, वर्स्ट हो गया, इस तरह से आपके होते हैं, ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल। तो वो भी ज्यादा नहीं, 5-7 है, मैं आपको दे दूंगा, नो प्रॉब्लम है, उसकी वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों ये था एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री का, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ और टाइप्स की, और जो अब ये टाइप्स हैं एडजेक्टिव्स के, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी हैं, लेकिन मैं आपको इनका लॉजिक बता देता हूं, नटशेल में समझा देता हूं, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दोस्तों हमने प्रोनाउन पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे, मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाए थे बहुत अच्छे से, उनके टाइप्स भी पढ़ाए थे। वो जो प्रोनाउन थे वो कभी कभी एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, कब बनते हैं और कैसे बनते हैं ये बता देता हूं। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको दिमाग में प्रोनाउन ही याद रखने हैं, एडजेक्टिव्स के ये वाले टाइप अपने आप आपके कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहला है हमारा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। वही हमारे एडजेक्टिव बन जाते हैं, कब बनते हैं? लिखा हुआ है जी आपके सामने, जो एडजेक्टिव्स किसी खास व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करें। क्या लिखा हुआ है? कि जो एडजेक्टिव किसी खास व्यक्ति की या चीज की तरफ इशारा कर देते हैं वो हमारे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल दैट पर्सन, दिस डॉग, Those boys, these clothes, इस तरह से यहां पे जैसे ही person के साथ that लग गया ना, तो वहां अब वो जो person था वो खास बन गया। इसी तरह this dog, normal dog होता कोई दिक्कत नहीं, dog होता सिर्फ कोई दिक्कत नहीं थी, this dog हो गया यह कुत्ता, तो अब यह कुत्ता क्या हो गया, अब यहां ये खास हो गया, एक खास कुत्ते की बात हो गई, तो ये एक adjective हो गया। इस तरह से those boys, these clothes। तो सब एक important बात ये है कि सर demonstrative pronoun भी होते हैं, adjective भी होते हैं, ये क्या हो रहा है, mind में बहुत होच पोच हो गई है। इसका
आंसर सुनो। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, टीचर की तरह पढ़ाते हैं, लेकिन जब हमसे बातें करते हैं तो एक फ्रेंड की तरह बात करने लगते हैं। इसी तरह घर में भी हमारे ऐसे सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, जो जब मजाक करना होता है मजाक करते हैं, जब बड़े भाई की तरह ट्रीट करना होता है बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं, जब पिता की तरह ट्रीट करना होता है पिता की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं। इसी तरह से हमारे प्रोनाउन है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो हमारी इंग्लिश की दुनिया में, ग्रामर की दुनिया के अंदर कभी तो प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं, बिल्कुल प्रोनाउन बन जाते हैं, कभी वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। इस तरह से वो रोल बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल सही है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई इस्तेमाल नहीं, बहुत लंबे चौड़े रूल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, वही पॉजिटिव प्रोनाउन, कौन सा वाला? वही वाला आपका बिल्कुल सेम ही है, कुछ भी नहीं है लिखा हुआ है। लाइकवाइज पॉजिटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, मैंने सिंपल लिख दिया है, क्यों कंफ्यूज करूं मैं आपको? किस तरह से जैसे माय सिस्टर, किसकी बहन? मेरी बहन। तो यहां पे माय सिस्टर मेरा पूरा क्या हो जाएगा? ये मेरा एडजेक्टिव हो गया। योर पेन, हिज कार, योर फादर, देयर होम, एटसेट्रा। इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं जब ये किसी भी प्रोनाउन या नाउन की तरह साथ लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, वही इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह। व्हाट, व्हिच, हूज, एटसेट्रा। व्हिच बुक डू यू हैव? ऐसे व्हाट कलर इज योर बैग? Whose pen is this? ये बहुत ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं थी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। याद रखने वाली बात ये है कि इन एडजेक्टिव से पहले ये जितने भी तीनों मैंने आपको पढ़ाए हैं उनके आपके बाद जैसे विच बुक, यहां पे एक नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है, इनके साथ नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये अकेले इस्तेमाल हो रहे होंगे, अकेले इस्तेमाल हो रहे हैं तब तो ये प्रोनाउन ही है, और अगर किसी नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं तब ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। इतनी सी बात थी, मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ और टाइप्स एडजेक्टिव। दोस्तों आपने डिटरमिनर्स पढ़े, अगर आपने डिटरमिनर्स पढ़े हैं जैसे सम, फ्यू, लिटिल, मच, ये सब पढ़े हुए हैं, तो ये एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। कैसे इस्तेमाल होते हैं? जैसे भी हमने डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन वाला केस देखा था जहां पे दिस, दैट, दीस, दोस का इस्तेमाल हो रहा था, इस तरह से हो रहा था कि अगर उनके साथ नाउन है, अगर उनके साथ नाउन है तब तो वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो जाएंगे, अगर नाउन नहीं है तो वो अपनी रियल ओरिजिनल जो उनका कैरेक्टर है उसी में रहेंगे, यानी प्रोनाउन है प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होगा। ऐसे ही अगर डिटरमिनर है तो वो डिटरमिनर ही रहेगा। देखते हैं किस तरह से, क्या लिखा है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। कौन से? डिटरमिनर्स वाले। क्या लिखा है इसमें? किसी व्यक्ति या चीज की पूरी क्लास को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो डिटरमिनर्स की तरह, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं थी। ऑल, अनदर, एनी, बोथ, ईच, ये सारे ही जितने भी आपके सामने मैंने लिख दिए वो डिटरमिनर्स ही हैं सारे ये। तो उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स की तरह किया जाता है। कब किया जाता है? अगर इनके साथ कोई नाउन लगा हुआ है तब तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं, अगर नहीं है कोई भी नाउन तो इस हिसाब से फिर ये क्या रहेंगे? डिटरमिनर्स रहेंगे। ट्रिक बता दिए मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सेकंड थॉट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव्स, ये कैसे बन जाते हैं? एडजेक्टिव ना पता क्या करता है, किसी में भी कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करके अपने आप को एडजेक्टिव बना लेता है, किसी भी वर्ड को उठा लेता है। ऐसे कई सारे हमारी वर्ब्स होती हैं, नाउन होती हैं, जिनके साथ लास्ट में ईडी लग के या आईएनजी लग के उन्हें एडजेक्टिव बना लिया जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंट वर्ड था, किसी को निराश कर देना, और इसको क्या कर दिया गया? आईएनजी लगा के डिसअपॉइंटिंग बना दिया गया। ऐसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक अलग वर्ड था, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ आईएनजी लगा दिया गया, इंटरेस्टिंग बना दिया गया। इंटरेस्टिंग क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। लिखा भी है जो किसी वर्ड के साथ ईडी या आईएनजी लगा के इस्तेमाल किए जाए। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं जो तरह तरह के वर्ड में ईडी या आईएनजी लगा के इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। जिस्ट क्या है, क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि जब भी आप देखो कि किसी वर्ड से किसी चीज की खासियत को बताया जाए, किसी चीज की खासियत को बताया जा रहा है, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा एडजेक्टिव। For example, this is a shocking news. क्या कहा मैंने? Shocking news. Shock, shock का मतलब होता है shock लगना, झटका लगना, verb है, लेकिन ing लगा के shocking news बना दी। This is a news होता तो दिक्कत नहीं थी, शॉकिंग न्यूज कर दिया तो अब ये एडजेक्टिव बन गया। याद रखना कि जब भी एडजेक्टिव लगता है तो जो भी हमारा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो खास बन जाता है, स्पेशल बन जाता है। क्लियर है? ऐसे हमारा नेक्स्ट टाइप है आर्टिकल ए एंड द। ए एंड द का इस्तेमाल भी हमारे एडजेक्टिव की ही तरह होता है। सिंपली बस ये याद रखना कि इनके साथ अगर नाउन आ रहा है, जब भी इनके साथ नाउन आ रहा है तो ये हमारा क्या हो रहा है? ये हमारा एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों ये था पूरा क्रक्स एडजेक्टिव्स का। अब करते हैं कुछ एग्जांपल, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जिनमें आप फंस सकते हो, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन में आप और मैं अटेम्प्ट दोनों मिलकर करेंगे। तो दोस्तों अब हम करेंगे प्रैक्टिस। एग्जाम में आपके लिए किस तरह के सवाल रखे हुए होंगे वो सब मैंने अपने माइंड में रखते हुए आपको उसी तरह के क्वेश्चन यहां पे दिए हैं। ये एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन में से एक है, तो मेरे साथ मिलकर इनको अटेम्प्ट करेंगे। क्या आप तैयार हैं? आइए चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कहां गलती हुई है। पहले क्वेश्चन में, द प्राइस ऑफ द सब्सिडाइज एलपीजी गैस सिलेंडर्स रिमेन लोवेस्ट देन द मार्केट प्राइस। इसमें हमें एडजेक्टिव देखना क्या यूज हुआ है,
लोवेस्ट, और लोवेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री हो गई, हमने पढ़ा है, ईएसटी वाला हो गया यानी पूरी दुनिया से कंपैरिजन की जाती है किसी एक चीज की। लेकिन ध्यान से देखो यहां तो कंपैरिजन आज के प्राइस की, जो करंट प्राइस है, उस प्राइस की मार्केट प्राइस से कंपैरिजन की जा रही है, तो यहां तो दो चीजों की कंपैरिजन की जा रही है। और जब भी दो चीजों की कंपैरिजन की जाती है दोस्तों, दो की, तब क्या होता है, तब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, यानी उसके साथ आर या ईआर जोड़ते हैं। तो ये लोवेस्ट कैसे लिख दिया आपने, ये तो गलत है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए लोअर, LOWER, लोअर, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। Do the roses in your garden smell more sweeter than in ours? ठीक है, ये तो बहुत ही मुंह से ही नहीं बोला जा रहा, इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हो। आपने more तो लगा दिया, कोई बात नहीं, आपने comparison की, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, चलो ये भी समझा देता हूं, कि आपके garden के जो roses हैं वो मेरे garden के roses से ज्यादा क्या sweet है, क्या ज्यादा वो स्मेल अच्छा करते हैं कि नहीं, ये बात इसमें पूछी गई थी, इसमें पूछी गई थी बात। ठीक है, क्लियर है, इतना तो मुझे क्लियर था। लेकिन यहाँ पे ये भी ठीक था कि आपने कंपेरेटिव डिग्री लगाई, कोई बात नहीं थी। लेकिन मोर लगाया, मोर कब लगता है दोस्तों, आप मुझे बताओ, सोचो सोचो, मोर तो तब लगता है ना जब एक से ज्यादा सिलेबल हो। और स्वीट वर्ड, स्वीट वर्ड की अगर मैं बात करता हूं, स्वीट वर्ड तो एक ही सिलेबल का है, स्वीट, इसके साथ तो स्वीटर हो जाता, बस बात खत्म थी। यानी ये जो मोर लगाया इन्होंने, ये गलत लगाया, ये गलत है। सेंटेंस में सिर्फ इसको बनाना था स्वीटर, सेंटेंस बन जाता डू द रोजेज इन योर गार्डन स्मेल स्वीटर देन इन आवर्स, के आपके गार्डन के जो रोजेज है वो हमारे गार्डन के रोजेज ज्यादा स्वीट स्मेल करते हैं कि नहीं। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। थर्ड देखते हैं, द ईगल वॉज, अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको ब्लैंक को फिल करना है। ओके, द ईगल वॉज अ एडजेक्टिव दिया बिग देन द ब्लू बर्ड, यहां कंपैरिजन की गई है, देन है ब्लू बर्ड की कंपैरिजन की गई है ईगल से। तो इन दोनों की जब मैं कंपैरिजन करूंगा, दो चीजों की कंपैरिजन करने में आर या ईआर का इस्तेमाल करूंगा, तो इसको मैं क्या बना दूंगा, बिगर, क्या बना दूंगा, बिगर, बिग का क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा साफ साफ। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ये आप करो, ये आपके लिए होमवर्क, और अमित इज द, ये दो फोर्थ और फिफ्थ मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, मैं आता हूं सिक्स पे। द टाइगर इज द मोस्ट यूनिक एनिमल इन द वर्ल्ड, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। दोस्तों यहां पे जो हमारी एडजेक्टिव है वो है हमारी यूनिक, याद रखिएगा यूनिक के साथ कोई भी मोर या मोस्ट नहीं लगता, ये अपने आप में ही पूरा रहता है, यानी मोस्ट की जरूरत नहीं है, ये बनेगा द टाइगर इज द यूनिक एनिमल इन द वर्ल्ड। यूनिक का इस्तेमाल आप जब भी करोगे उसके साथ डिग्री चेंज नहीं होती है, वो एक ही डिग्री का रहता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा, शी फेल्ट बैडली एज शी डिड नॉट गेट द जॉब, अब इसमें कमी क्या थी, इसमें क्या मिस्टेक है वो देखते हैं। उसने बुरा फील किया, बुरी तरीके से फील किया निकली इसकी आवाज, क्योंकि उसे जॉब नहीं मिली। याद रखिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें एडवर्ब यहां पे इन्होंने लगा रखा है, इसको देखना है ये बैडली कैसे किया, क्योंकि इसमें अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो बैड एडजेक्टिव होता है ना, तो बैड का बैडली क्यों बना, सोचने वाली बात है। याद रखिए जो फेल्ट है ना, ये हमारी वर्ब है, क्या है, वर्ब है, वो जो हमारी ये टू बी वाली वर्ब नहीं होती जिसमें हम होने की बात करते हैं, महसूस करने की बात करते हैं, वो वाली वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। और वर्ब के साथ, किसी वर्ब के साथ जब मॉडिफाई किया जाता है उसे, वो तो एडवर्ब होते हैं, वो एडजेक्टिव थोड़ी होते हैं। यहां पर क्या किया गया, टू बी वाली वर्ब को हमें मॉडिफाई करना था जो कि हमारे एडजेक्टिव से होती, ये बैडली नहीं आना था, यहां सिर्फ बैड रहना था। क्यों बैड रहना था, बैड इसलिए रहना था क्योंकि यहां एडजेक्टिव का इस्तेमाल होना था, ये कोई एक्शन वर्ब नहीं थी, ये स्टेट ऑफ बीइंग वाली वर्ब थी, महसूस करना या हो जाना वो वाली वर्ब थी, इसलिए। तो ये गलती यहां पे हमने पकड़ ली। नेक्स्ट है हमारा, द बॉय वोर अ ब्लू शर्ट, टाइप ऑफ एडजेक्टिव बताओ इसमें क्या है, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, ये पॉजिटिव डिग्री है, ब्लू है, ब्लू क्या है, कुछ भी नहीं, इसमें ईआर नहीं लगा, ईएसटी नहीं लगा, तो ये मेरे को अच्छे से समझ में आ गया कि ये कौन सी डिग्री है, ये हमारी पॉजिटिव या एब्सोल्यूट डिग्री है। That's it. Next, he is the most weak person in the village. क्या बताना है? He is the most weak person. ये आप रखो, बहुत आसान सा है। Next है, Alia was the most stronger. ये भी आसान सा है और अच्छा सा है, बहुत पढ़ लिया है, उम्मीद करता हूं कि आप कर पाओगे, मैं साइड हो जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा, हमने एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव होता क्या है, उसके टाइप्स देखे, किस तरह से उसकी डिग्री चेंज करनी है, किस तरह से कई अदर प्रोनाउन डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव की फॉर्म ले लेते हैं, ये भी हमने देखा। और बाद में हमने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी पढ़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।